हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम उगाने जाएंगे कटिंग से एक पौधा जो कि है चंपा का। चंपे के पौधे को आप बहुत आसानी से सिर्फ एक कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करना बहुत ही इजी है और इसकी कटिंग की बात की जाए तो ये आपको इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके प्लांट जगह जगह आपको लगे हुए मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर आपको इसको देखना है तो आपको पार्क में जाके देख सकते हैं, पार्क में बहुत ईजिली लगे होते हैं। इसके अलावा आप जो है रोड पर, स्ट्रेट पर आपको ये ईजिली आपको लगे हुए मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक ब्राउन कलर की जो है डाल आपको चूज़ करनी है और उसको बस आप कट करके घर पर ले आएँ और इसी तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो करना आपको ये है कि आप एक अच्छी सी ब्राउन कलर की बुड़न ले डाल ले आएँ और लाने के बाद आप उसे अपने धूप में 3 से 4 दिन आपको इसको ड्राई करना है, सुखाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं चंपा के पौधे में पानी काफ़ी मात्रा में होता है, हम इसे ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं कर सकते, ये गल सकता है। इसीलिए अगर हम इसको 3 से 4 दिन सुखा देंगे तो इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी और जब हम इसे लगाएंगे तो इसकी काफ़ी जो सक्सेस के जो चांस हैं ग्रो होने के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसे अपनी टेरेस पर ले आई हूँ और अब इसे मैं 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दे रही हूँ। तो लगभग 4 दिन के बाद फ्रेंड्स ये लगभग कुछ ऐसा दिख रहा है, स्टेम काफ़ी ढीली हो गई है और ब्राउन लीव्स हो गए हैं सारे के सारे, झड़ने भी लगे हैं। तो करना क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लगाएंगे चंपा प्लांट के कटिंग। तो इसके लिए देखिए ये 3 से 4 दिन सुखा ली गई है। अभी हम जितने भी ड्राई लीव्स हैं इनको हम हटा देंगे और इसकी ब्रांचेस की कटिंग कर देंगे। जब आप लीफ हटाएं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें से जो चंपा का प्लांट होता है इसमें से लीफ से और स्टेम से मिल्क निकलता है, जो आपको बहुत केयरफुली काम करते हुए ध्यान रखना है कि वो मिल्क आपकी आंखों में ना जा पाए, क्योंकि ये आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रह सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने सारे जो है ब्राउन लीव्स हटा दिए हैं और अब कटर से मैं इनके एजेस कट कर दूंगी। तो ये हमारी हार्ड प्रूनिंग भी हो गई और कटिंग भी हो गई। तो हमने मिट्टी ली है, मिट्टी आप जो है किसी भी तरीके की मिट्टी ले सकते हैं, ये हर तरह की मिट्टी में चल जाता है, लेकिन अगर भुरभुरी है तो और भी अच्छा है। फ्रेंड्स, यहाँ मिट्टी में मैं हल्दी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हल्दी जो है एंटी फंगल का काम करता है, जड़ों को सड़ने से बचाएगा और भी कोई फंगी जो है लगने से ये उसे रोकेगा। तो ये जड़ों को ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है और हल्दी एक तरह से फर्टिलाइज़र है अपने आप में और हीलर भी है। तो हल्दी बहुत तरीके से हमारे काम आती है और पौधों के लिए तो ये वरदान जैसा ही काम करती है। तो हम इसमें मिट्टी में हम इसको अच्छे से दबा देंगे, ब्रांच को अच्छी तरीके से दबाएँगे ताकि इसकी जड़ बनने में जो है प्रॉब्लम ना हो। दबा होना बहुत ज़रूरी है और इसकी जड़ों में पानी ना लग पाए, इस बात का ध्यान रखें। जब हम लगाएंगे इसको तो हमको सिर्फ एक बार वाटरिंग करनी है, पानी हम एक बार देंगे और वो अच्छे तरीके से देंगे और फिर तब पानी देंगे जब तक कि सचमुच इसको पानी की ज़रूरत ना हो, नीड ना हो। हम इसको डेली डेली पानी नहीं देंगे। अगर डेली डेली हम इसे पानी देंगे तो जो जो स्टेम है, जो एक कटिंग है, ये गल सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमको डेली डेली पानी नहीं देना है, हम पानी डालकर छोड़ देंगे तब तक जब तक कि इसकी मिट्टी सूख ना जाए और जब तक हमको ये ना लगे कि हाँ अब पानी की ज़रूरत है। उसके बाद हम दोबारा हल्दी डालेंगे ऊपर से, जब सारी मिट्टी क्लियर हो जाए, अच्छे से डल जाए, हम ब्रांच को दबा देंगे। उसके बाद हमको दोबारा से जो है हमको हल्दी डालनी है, उसके बाद अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। तो हमारा कटिंग लग चुकी और है, रिज़ल्ट आपको कुछ महीने बाद मिलेगा क्योंकि इसको लगने में तकरीबन 4 से 5 महीने लग सकते हैं। जो भी रिज़ल्ट होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय।